जम्मू कश्मीर में बनी हाल ही में पीडीपी और बीजेपी की सरकार का घमासान इस हद तक आ गया है कि लोगों को अब कश्मीर की समस्याओं पर और समाधान पर सेमिनार आयोजन करने का मौका मिल गया है। जी हाँ, जिसमें शिरकत की है शिवसेना के संजय राउत ने, जो पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन से बिल्कुल भी सहमत में शिवसेना नहीं है। सरकार पर जनतांत्रिक दबाव बनाना भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि थे तो प्राण दान देके जो सुरक्षा सम्मान दिया प्यारे भारत, जो भी जहां खड़ा होता है वो सुबह इस बात को बोलता है। इसलिए हम सारे एक सूत्र से जुड़े हैं, क्योंकि कश्मीर कश्यप की धरती है और हम सब कश्यप की संतान हैं। इसलिए हम सब आपस में या भाई बहन हैं या किसी न किसी गोत्र से, किसी न किसी रिश्ते से आपस से जुड़े हुए हैं। जितना ये इम्पोर्टेंट है, जितना ये ज़रूरी है कि हम भारतवर्ष की बात करें, क्योंकि जो आज कश्मीर में हो रहा है हम उसके एक छोटे से हिस्से हैं और बहुत ज़रूरी हिस्सा है कश्मीरी पंडित, बिकॉज कल्चरल कनेक्टिविटी जो है, जो साहित्यिक बंधन है जो कश्मीर का रहा है, वो भारत के साथ कश्मीर के हिंदुओं के, आप हम पंडित बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं, हम लोग अपने आप को भट्ट बोलते हैं, विच मीन्स जो लोग पढ़े लिखे हों। इसलिए आज कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल बात नहीं करूंगा, हालांकि वो बहुत ज़रूरी विषय है, पर मैं आज छोटा सा सिपाही हूँ जो 11 साल की उम्र में शेख अब्दुल्ला जब वजीर आजम थे, मैं थाने में बंद कर दिया गया था 1953 में, और मैं जनरल जोरावर सिंह के परिवार से हूँ जिन्होंने जम्मू कश्मीर का भूगोल लिखा। इतिहासकार अध्यक्ष जी, हमारे इंटेलेक्चुअल इतिहास लिखते हैं, मैं उस डोगरा कौम से हूँ जिसके बुजुर्गों ने जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी लिखी है। आपने कभी सोचा होगा मैं नक्शा लाता, गिलगित कहाँ है, चित्रार कहाँ है, सियाचिन कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, किश्तवाड़ कहाँ है, पुंछ कहाँ है, इनको जोड़ने के लिए हमारे हजारों बुजुर्ग। इसी को लेकर आज सेमिनार आयोजन किया गया है कि आखिरकार जिस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद को वहाँ का सीएम बनाया गया है, तो उससे समस्याएं जम्मू कश्मीर की और बढ़ी हैं, और वाकई जिस तरह से ये समर्थन देखा गया है उससे पीडीपी और बीजेपी कहीं से कहीं तक भी एकजुट होती नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन पर कब तक ये सेमिनार आयोजित होंगे और क्या इन सेमिनार से फायदा पहुंचने वाला है जम्मू कश्मीर की जनसंख्या को या वहां के लोगों को। और ऐसे में सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ शगुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।